वेलकम फ्रेंड्स, टेक्निकल आकाश में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो वीडियो मैं लाया हूँ आपके लिए, ये बहुत ही मतलब एक तरह से मतलब दूसरे वीडियो के कंपैरिजन में एक बहुत ही अलग वीडियो है। मतलब है तो ये बाइक का ही, लेकिन ये बाइक कुछ अलग ही है। तो देखिए, ये नया नया लॉन्च हुआ है। देखिए, टीवीएस का जो RTR सीरीज़ का 200cc वाला जो वर्शन है, वो FI वाला मॉडल भी है। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये इथानॉल पावर्ड बाइक है। तो चलिए, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बता रहा हूँ कि इथानॉल से बाइक ये चलेगी कैसे, क्या है ये इथानॉल। तो ये देखिए, इथानॉल पावर्ड TVS Apache RTR 200 FI E100 लॉन्च्ड एट ₹1,20,000। तो ये देखिए, TVS ने ये नया बाइक जो लॉन्च किया है, देखिए यहाँ पर लिखा है द TVS रिवील दैट द बाइक विल इनिशियली बी अवेलेबल ओनली इन महाराष्ट्र, UP, कर्नाटक। तो TVS ने बोला है ये बाइक अभी अभी सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक और UP में ही मिलेगा। तो यहाँ पर और चीज़ बताई गई है, देखिए, हाउएवर देयर इज़ ए कैच। तो यहाँ पर क्या बताया गया, TVS Apache RTR 200 cannot run on regular petrol। ये बाइक पेट्रोल में नहीं चलेगा, ये बाइक सिर्फ इथानॉल में ही चलेगा। ये इथानॉल क्या चीज़ है? ये इथानॉल आप बोल सकते हैं एक तरह की लिक्विड है। इसको बायो इथानॉल फ्यूल भी बोला जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है? ये शुगर को फर्मेंटेशन करके, जैसे मतलब अल्कोहल बनाया जाता है, ऐसे ही इथानॉल बनाया जाता है। मतलब ये करीबी चीज़ ही है अल्कोहल और इथानॉल। तो इसमें देखिए, ये क्यों यूज़ किया गया है कि इससे एनर्जी भी मतलब मिल सकती है, इससे हम इथानॉल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इथानॉल क्या है? इथानॉल बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये आसानी से पच जाता है। लो इन टॉक्सिसिटी है, पोल्यूशन कम करेगा ये। तो ये देखिए, ये है इथानॉल। तो इथानॉल इसको को कह सकते हैं, और इथाइल अल्कोहल भी इसको कह सकते हैं। तो डजंट इथानॉल अल्कोहल डजंट प्रोड्यूस एज मासेस एनर्जी व्हेन इट बर्न्स, मतलब उतना पावर आप लोगों को ये नहीं देगा पेट्रोल जैसा। तो देखिए, इंजन देखिए यहाँ पर दिक्कत दिया गया है, 21 HP पे एट 8500 RPM एंड 18.1 nm टॉर्क एट 7000 RPM इसका होगा। देखिए, पेट्रोल का प्राइस इथानॉल से बहुत ज़्यादा है। तो ये बाइक आपको मतलब इको फ्रेंडली भी ये बाइक रहेगा। मतलब हमारा जो अभी तक एनवायरमेंटल सिचुएशन है, पोल्यूशंस के नज़रिए से हम देखेंगे, तो ये बाइक हमको बहुत ही फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा। तो इस बाइक के बारे में ज़्यादा और जानकारी के लिए, कब ये लॉन्च होगा, मतलब और क्या इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों को बताता रहूँगा ये सब, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।